मानवता और सामाजिकता की चर्चा यहाँ पर हुई थी, तो मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा था नागर जी की कुछ रचनाओं को पढ़ते समय भी और यहाँ पर सुनते हुए भी, कि मानवता के से हम क्या तात्पर्य ग्रहण करते हैं, हम क्या सोचते हैं जब हम कहते हैं कि नागर जी के साहित्य में मानवता के प्रश्न उठाए गए हैं, तो मानवता मतलब क्या? क्या मनुष्य की केवल अच्छाइयों में ही मानवता आएगी, या मानवता में मनुष्य के स्वभाव की दुर्बलताएं और उसकी उसके गुण, उसकी श्रेष्ठताएं, उसकी उदारता, उसकी परोपकारिता, ये चीजें भी आएंगी? ये सब मिलजुल के आते हैं। मैं तो सोचती हूँ खास करके नागर के साहित्य के संदर्भ में कि दोनों चीजों को मिला करके नागर मानवता बनती है। और एक उपन्यास जिसकी चर्चा यहाँ नहीं हुई, नामोल्लेख भी नहीं हुआ, वो मेरे ध्यान में लगातार आ रहा था, और वो उपन्यास है भूख। आप में से आप लोगों ने पढ़ा होगा, और वो मुझे लगता है कि इन सब बातों का निष्कर्ष उस उपन्यास में हमको दिखाई देता है कि मानवता के संदर्भ में उस उपन्यास को समझा जाए, पढ़ा जाए कि क्या है मानवता, मनुष्य क्या है। मनुष्य मूल रूप से हम एक जैविक प्राणी हैं, सारी जैविक वृत्तियां हमारे में वैसी ही हैं जैसी अन्य प्राणियों में होती हैं। इसको समझने के लिए भूख उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अपने को जातिता में बांधा है, धर्म में बांधा है, हमने अपने को बुद्धिजीवी और अनपढ़ों में बांधा है, उच्च और निम्न में बांधा है, कई धनवान और निर्बलों में बांधा है। लेकिन जब हम भूख उपन्यास को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि मनुष्य मूल रूप से सब एक ही हैं। जब पेट की भूख सताती है, जब आदमी को कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता है, खा नहीं पाता है, वहाँ पर उसके ये सारे अहंकार दूर हो जाते हैं। वहाँ पर न कोई हिंदू रहता है, न मुसलमान रहता है, न उच्च वर्ण का रहता है, न निम्न वर्ण का रहता है। केवल स्वार्थ, केवल जिजीविषा, केवल मैं, मेरी भूख, उसकी तृप्ति हो, ये चीज़ सबसे प्रबल हो जाती है। ये हमको वो भूख उपन्यास दिखाता है।